हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और QR कोड को स्कैन करके नेटवर्क को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स कनेक्शंस पे चले जाना है, कनेक्शंस पे जाकर वाईफाई पे चले जाना है। वाईफाई पे जाते ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा QR कोड, तो QR कोड को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप QR कोड की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको QR कोड को स्कैन करना है और QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं QR कोड को स्कैन कर सकते हैं वाईफाई नेटवर्क के जरिए, और स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं। इस तरीके से आप वाईफाई स्कैनर का यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली आप फ़ोन के स्कैनर के जरिए भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली स्कैनर का यूज़ करना है, और स्कैनर का यूज़ करते ही आपका वाईफाई नेटवर्क किसी भी फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं और फ़ोन के जरिए वाईफाई नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।